नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत है। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग देखिए ट्रिगोनोमेट्री का कंडीशनल आइडेंटिटीज पढ़ने जा रहे हैं। तो कंडीशनल आइडेंटिटीज होता क्या है, सबसे पहले हम लोग वो जानेंगे। तो देखिए, कंडीशनल आइडेंटिटीज कहने का मतलब है कि सबसे पहले इसमें कंडीशन दिया हुआ रहेगा, जैसा कि नाम बताया जा रहा है, कंडीशन आइडेंटिटीज। मतलब ये आइडेंटिटीज तो जरूर होगा, लेकिन उसके साथ क्या होना चाहिए, कंडीशन दिया हुआ होना चाहिए। मतलब इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई दिया हुआ है, तो आपके पास साइन ऑफ ए प्लस बी साइन सी के बराबर होगा, साइन ऑफ बी प्लस सी साइन ए के बराबर होगा, साइन ऑफ ए प्लस सी जो है वो साइन बी के बराबर होगा। सेम उसी तरह कॉस ऑफ ए प्लस बी जो है माइनस कॉस सी, कॉस ऑफ बी प्लस सी माइनस कॉस ए, और कॉस ऑफ ए प्लस सी माइनस कॉस बी के बराबर होगा। अब यदि ध्यान दीजिएगा, तो जब यहाँ ए प्लस बी है तो ये साइन सी बन गया, बी प्लस सी है तो यहाँ पे ए, और ए प्लस सी है तो बी बन गया। सेम उसी तरह जब ए प्लस बी है तो ये सी हो गया, लेकिन माइनस साइन के साथ हुआ। सेम उसी तरह बी प्लस सी तो कॉस ए बन गया माइनस साइन के साथ, ए प्लस सी जो है वो बी बना लेकिन माइनस साइन के साथ। ये ध्यान देने वाली बात है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए, पाई होना चाहिए। या फिर हम बोल सकते हैं इसी को इन ए ट्राइंगल ए बी सी, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी यदि दिया हुआ है तो ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, किसी एक का देख लेंगे हम लोग, साइन ऑफ ए प्लस बी को देख लेते हैं, बाकी सब एज इट इज दोनों हो जाएगा। फिर सेम उसी तरह हम लोग इसको देख लेते हैं। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है, तो ए प्लस बी को हमने एक तरफ रखा और सी को उधर भेज दिया, तो हो गया पाई माइनस सी। अब दोनों तरफ यदि हमने साइन लिया, तो साइन ऑफ ए प्लस बी जो होगा वो होगा साइन ऑफ पाई माइनस सी। अब आप लोग याद कीजिए, साइन ऑफ पाई माइनस सी मतलब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा, साइन सी। तो देखिए यही लिखा हुआ है स्टार्टिंग का तीन। अब अगला हम लोग देखते हैं, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी की यदि हम लोग बात करते हैं, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी लाने के लिए हम लोग को सेम उसी तरह ए प्लस बी बराबर लिखना पड़ेगा बी पाई माइनस सी। अब दोनों तरफ यदि हम कॉस लेंगे, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई माइनस सी, और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस सी। इसलिए कॉस ऑफ ए प्लस बी जो है वो माइनस कॉस सी के बराबर है। ये था हम लोग का कंडीशनल आइडेंटिटीज, ठीक है, समझ में आ गया। सेम उसी तरह हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखिए फिर क्या है कि यदि ए प्लस बी था तो हम लोग लिख देते थे डायरेक्ट साइन सी, लेकिन यदि एंगल हाफ हो गया हमारे पास, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। और कॉस किस में कन्वर्ट होगा, देखिए कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में होगा, जो एंगल है उसका जस्ट उल्टा। तो देखिए इसको भी हम लोग प्रूफ करके देख लेते हैं। तो ए प्लस बी जो है वो हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, सी को उधर लेके गए हम लोग, तो पाई माइनस सी होगा। अब डिवाइडेड बाय टू कर दिए हम दोनों साइड, अब उसके बाद दोनों तरफ साइन ले रहे हैं हम लोग, क्या होगा, साइन ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू साइन ऑफ, देखिए ये लिखा हुआ पाई माइनस सी डिवाइडेड बाय टू। इसको यदि हम लोग यहाँ से अलग करते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस सी बाय टू। अब इसको देखिए, तो साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस सी बाई टू होगा, ठीक है। अब सेम इसी तरह हम लोग कॉस के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ के बाद हम लोग कॉस ले लेते हैं दोनों तरफ, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस ऑफ पाई माइनस सी डिवाइडेड बाई टू, मतलब पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन सी बाई टू, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या किया, सेम उसी तरह पिछली की तरह, तो सेम उसी तरह यदि हाफ एंगल रहेगा तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और जो एंगल नहीं है वो होगा ए प्लस बी यदि है तो इधर सी बाई टू हो जाएगा, बी प्लस सी बाई टू है तो ए बाई टू होगा, ए प्लस सी बाई टू है तो बी बाई टू होगा, और कॉस यदि है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। ये था हम लोग का कंडीशनल आइडेंटिटीज, ठीक है। अब इसी का यूज करते हुए देखिए कुछ प्रूफ करेंगे हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, प्रूफ डैट साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी बराबर फोर साइन ए साइन बी साइन सी। तो हम लोग एलएचएस को लेकर चलते हैं, तो देखिए क्या दिया हुआ, साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी। तो आप इस केस में क्या कर सकते हैं, किसी भी दो गो को ले लीजिए और उसमें साइन सी प्लस साइन डी लगा दीजिए। तो आपको याद होगा साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है हमारे पास, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये है हम लोग का फॉर्मूला। तो साइन टू ए को हम लोग उसी तरह रहने दिए, यहाँ पे लगाए हम लोग टू साइन सी प्लस डी बाई टू। तो देखिए होगा टू साइन, इस दोनों एंगल को ऐड करना है,
तो 2b+2c डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 एक तरह से कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, तो कॉस ऑफ बी माइनस सी बचेगा हम लोगों के पास। तो देखिए यहाँ पे साइन 2a हो गया, साइन 2a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 साइन ए कॉस ए लिख सकते हैं, हमने लिख दिया 2 साइन ए कॉस ए प्लस। अब देखिए साइन ऑफ बी प्लस सी लिखा हुआ है, तो अभी हम लोग पीछे देखें कि साइन ऑफ बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, साइन ए लिख सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग के पास है कॉस ऑफ पाई बी माइनस सी, ठीक है। अब देखिए 2 साइन ए दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 साइन ए को हम लोग कॉमन ले ले रहे हैं, तो 2 साइन ए को कॉमन लेंगे तो हम लोग के पास बचेगा कॉस ए प्लस कॉस ऑफ बी माइनस सी, ठीक है, ये हो गया हम लोग के पास। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कॉस ए लिखा हुआ है, तो अभी हम लोग देखें कि यदि कॉस ऑफ बी प्लस सी होता है तो उसका जगह हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉस ए, तो यदि कॉस ए लिखा हुआ है तो हम लोग उसके जगह क्या लिख सकते हैं, यदि यहां से माइनस कॉस ए निकालेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ बी प्लस सी, तो यहां पे देखिए हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, माइनस कॉस ऑफ बी प्लस सी प्लस कॉस ऑफ बी माइनस सी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया हम लोग के पास, कॉस ऑफ बी माइनस सी माइनस कॉस ऑफ बी प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन गया आपके पास, यदि ध्यान से आप देखिएगा तो क्या बना आपके पास, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो कॉस सी माइनस कॉस डी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, टू साइन सी प्लस डी बाई टू। तो यदि हम इसको पूरा एक एंगल मान रहे हैं, इसको एक एंगल मान रहे हैं, तो पहले सम करना पड़ेगा इसको, और जब हम सम करेंगे तो ध्यान दीजिए सी और सी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2b/2, मतलब बचेगा हम लोग के पास साइन बी इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू होता है, तो जब डी माइनस सी करेंगे तो इसमें से इस बार ये माइनस होगा, मतलब बी प्लस सी में से माइनस होगा बी माइनस सी, तो इस केस में जो होगा बी और बी कैंसिल आउट हो जाएगा, और सी 2c बन जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2, मतलब यहाँ पे आ जाएगा सी आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग के पास आ जाएगा 2 2 4 साइन ए साइन बी और साइन सी, यही हम लोग को प्रूफ करना था। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा हम लोग क्या किए, कॉस सी माइनस कॉस डी लगाए हैं, और कॉस सी माइनस कॉस डी क्या था हमारे पास फॉर्मूला, 2 sin c + d डिवाइडेड बाई 2 sin d - c/2, उस फॉर्मूला का यूज किया और हम लोग पास आ गया 4 sin a sin b sin c। तो इस तरह का कुछ सवाल हम लोग को मिलते रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c बराबर -1 -4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। तो सेम उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, LHS को लिए और किसी दो को लेते हैं और फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ये लिया लिखा हुआ हम लोग के पास LHS में कॉस 2a प्लस, यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, कॉस सी प्लस कॉस डी लगाए, तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होगा, 2 cos c + d/2, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2b+2c/2 होगा, तो होगा बी प्लस सी इंटू में क्या होगा हम लोग के पास, कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा बी माइनस सी, ठीक है। कॉस सी प्लस डी लगा दिए हम लोग, 2 cos c + d/2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब ध्यान दीजिए कॉस ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 cos² a - 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2 cos b + c, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसके जगह हम लोग लिख सकते हैं -2 cos a इंटू कॉस ऑफ बी माइनस सी। अब ध्यान दीजिए इस -1 को हम साइड में रख देते हैं, तो -1 साइड में हो गया, हम लोग के पास क्या क्या बचा, देखिए 2 cos² a - 2 cos a इंटू कॉस ऑफ बी माइनस सी। हमने क्या किया, पहले कॉस, पहले इस -1 को पहले लिख दिया, बाकी इस दोनों को लिख दिया। अब -1 1 आ चुका है हम लोग के पास, अब इस दोनों में यदि ध्यान दें तो दोनों में 2 cos a है, तो 2 cos a को कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो 2 cos a को कॉमन ले लिए, यहाँ पे बचेगा हमारे पास कॉस ए माइनस कॉस ऑफ बी माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया -1 प्लस 2 cos a
कॉमन ले चुके हैं हम लोग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये लिखा हुआ कॉस ए, तो कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं, पिछले केस में अभी पुट किए थे हम लोग, कॉस ऑफ बी प्लस सी की जगह माइनस कॉस ए लिखते हैं हम लोग, तो कॉस ए की जगह लिख सकते हैं हम लोग माइनस ऑफ कॉस बी प्लस सी, और माइनस पहले से लिखा हुआ है तो बी माइनस सी। अब ध्यान दीजिए दोनों जगह माइनस है, तो उस माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो माइनस टू कॉस ए होगा, अंदर बचेगा हम लोग के पास कॉस ऑफ बी प्लस सी प्लस कॉस ऑफ बी माइनस सी। तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी लगा सकते हैं फिर से, तो कॉस सी प्लस कॉस डी लगाएंगे हम लोग, हमारे पास क्या बचेगा टू कॉस, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो सी और सी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा टू बी बाई टू, तो हो जाएगा बी इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। जब इस बार माइनस करेंगे तो बी और बी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा टू सी बाई टू मतलब सी, तो हो जाएगा माइनस वन माइनस फोर, टू और टू मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस ए कॉस बी और कॉस सी, ये बचेगा हम लोग के पास। तो देखिए यही तो हम लोग को प्रूफ करना था यहाँ पे, तो इस तरह से हम लोग देखते रहेंगे कि किस तरह से प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा जितना चीज़ हम लोग प्रूफ कर रहे हैं सब में ए प्लस बी प्लस सी जो है वो पाई के बराबर होगा तभी प्रूफ होगा, ये कंडीशनल आइडेंटिटीज़ है, या फिर इनर ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ रहेगा तभी प्रूफ हो पाएगा, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और बेसिक फार्मूला का यूज कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए सेम इसी तरह दिया हुआ है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, इसको ये प्रूफ करना है हम लोग को फोर कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू और कॉस सी बाई टू। अब यदि आप ध्यान दीजिएगा तो सेम जिस तरह हम लोग सवाल सॉल्व कर रहे थे उसी तरह सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग कुछ दो पार्ट को ले लेते हैं और उसमें हम लोग साइन सी प्लस साइन डी लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और प्लस साइन सी लिखा हुआ है तो उसको हाफ एंगल में तोड़ेंगे तो टू साइन सी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए टू साइन ए प्लस बी बाई टू लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग अभी देखे थे, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉस सी बाई टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कॉस सी बाई टू, स्टार्टिंग में देखे थे हम लोग, यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से पीछे देखिए और वहाँ पे समझिए पहले कि किस तरह से लिखे हम लोग। अब देखिए टू कॉस सी बाई टू इसमें भी है, टू कॉस सी बाई टू इसमें भी है, तो कॉमन ले लेते हैं हम लोग टू कॉस सी बाई टू, तो टू कॉस सी बाई टू कॉमन ले लिए, तो हमारे पास बचा कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू प्लस यहाँ से बचेगा हम लोग के पास साइन सी बाई टू। अब यहाँ ध्यान दीजिए साइन सी बाई टू बच रहा है, मतलब हम उसके जगह क्या लिख सकते हैं कॉस ऑफ, देखिए साइन सी बाई टू बचा हुआ है मतलब इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू, ठीक है। अब फिर से देखिए यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी लगा सकते हैं हम लोग, तो कॉस सी प्लस कॉस डी लगाएंगे तो क्या होगा हम लोग के पास टू कॉस सी प्लस डी बाई टू। तो देखिए इस बार हम लोग ऐड करेंगे तो देखिए ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी होगा, तो ए बी और बी कट जाएगा, बचेगा टू ए डिवाइडेड बाई टू, तो ए आया। तो अभी तो सिर्फ ऐड किए हैं सी प्लस डी सिर्फ किए हैं, अब इसके बाद हम लोग को बाय टू करना पड़ेगा, तो कॉस ए बाय टू होगा और सेम उसी तरह कॉस सी माइनस डी बाय टू, जब माइनस करेंगे हम लोग तो ए माइनस बी माइनस ए और यहाँ पे होगा हम लोग के पास माइनस बी डिवाइडेड बाय टू, तो ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा माइनस टू बी बाय टू, तो माइनस टू बी बाय टू मतलब माइनस बी और कॉस ऑफ माइनस बी फिर से एंगल हाफ होगा, तो कॉस ऑफ माइनस बी बाई टू बचेगा, तो जिसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ बी बाई टू, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर ही होता है, हमने पढ़ लिया है। अब टू टू जब फोर हो जाएगा कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू और कॉस सी बाई टू, यही तो था हम लोग हमारे पास जो हम लोग को क्या करना था प्रूफ करना था। आगे बढ़ते हम लोग, तो देखिए आगे क्या दिया हुआ हमारे पास, आगे भी हम लोग को प्रूफ करना है कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी जो है वो प्रूफ करना है वन प्लस फोर साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। तो जिस तरह से हम लोग प्रूफ कर रहे थे सेम उसी तरह से प्रूफ करेंगे, पहले दो को हम लोग लेते हैं और कॉस सी प्लस कॉस डी लगा देते हैं, तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू प्लस कॉस सी लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग हाफ एंगल में तोड़ेंगे
तो इसको हम लोग तोड़ना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पे तोड़ेंगे, देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू लिखा हुआ है, अभी इसको यही रहने देते हैं। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन सी बाई टू, क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन सी बाई टू। अब देखिए यहाँ पे साइन है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो साइन होगा, तो साइन का फॉर्मूला आप याद कीजिए, कॉस टू थीटा बराबर था आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस सी यदि लिखा हुआ है यहाँ पे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं उसकी जगह, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई टू। तो हमने वही लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई टू। अब ध्यान दीजिए इस प्लस वन को रहने देते हैं हम लोग, तो प्लस वन को स्टार्टिंग में लिख दिए, प्लस हम लोग के पास आएगा 2 साइन सी बाई टू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई टू। अब यहाँ पे हो गया, देखिए 2 साइन सी बाई टू 2 साइन सी बाई टू दोनों में है, तो 2 साइन सी बाई टू हम लोग कॉमन ले लिए यहाँ से। अब बचेगा हम लोग के पास कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू माइनस, देखिए यहाँ पे बचेगा एक साइन सी बाई टू, तो साइन सी बाई टू जो बच रहा है उसके जगह हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू, कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू। अब इसमें आप कॉस सी माइनस कॉस डी लगाइएगा, तो कॉस सी माइनस कॉस डी लगाइएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए आपके पास आएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू। तो सी प्लस डी बाई टू करेंगे हम लोग, तो देखिए सी प्लस डी बाई टू करेंगे तो क्या होगा, 2a/2 मतलब a बाई टू आएगा, इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे उस समय तो क्या होगा, a और a कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से b आ जाएगा। तो आपके पास जो प्रूफ करना था वो आ गया आपके पास, साइन a/2 साइन b/2 और साइन c/2। देखिए ये आ गया हम लोग के पास। तो इस तरह से हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब इसी तरह अगला सवाल दिया हुआ है, 10a+10b+10c=10a×10b×10c। लगातार हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जितना भी सवाल प्रूफ कर रहे हैं सब में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो पाई के बराबर है। अब देखिए ये प्रूफ करना है हम लोग को, देखिए ये एडिशन के फॉर्म में लिखा हुआ है और ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि समेशन मतलब जोड़ना होता है, तो समेशन 10a/π 10a मतलब समेशन 10a मतलब 10a 10b 10c तीनों एंगल का सम, और पाई 10a का मतलब तीनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी बराबर लिख सकते हैं हम लोग पाई माइनस सी। अब यदि ये लिख सकते हैं हम लोग तो दोनों तरफ 10 ले ले रहे हैं, तो 10 ऑफ ए प्लस बी बराबर हो जाएगा हमारे पास 10 ऑफ पाई माइनस सी। अब 10 ऑफ ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10a+10b 10a+10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b, और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, -10c हो जाएगा। अब देखिए आप लोग क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 10a+10b और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा तो -10c+10a 10b 10c हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे -10c को इधर लेके आ जाते हैं हम लोग, तो हम लोग के पास आ जाएगा 10a+10b+10c=, इसको देखिए माइनस में था तो उधर गया तो हो गया प्लस में, इधर बच गया हम लोग के पास 10a 10b 10c। तो देखिए तीनों एंगल का जो सम है वो तीनों एंगल का प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया हमारे पास, तीनों एंगल का सम तीनों एंगल के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए अगला जो प्रूफ करना है हम लोग को वो करना है, कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉस ए, ये वन प्रूफ करना है, या फिर समेशन ऑफ कॉट ए कॉट बी, दो एंगल का प्रोडक्ट फिर सबको उसी ऑर्डर में ऐड करते हुए ए बी फिर बी सी फिर सी ए, कितना प्रूफ करना है, वन प्रूफ करना है। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए जस्ट जो अभी हम लोग पीछे पढ़े थे उसका यूज करेंगे। तो पीछे क्या देखे थे हम लोग, 10a+10b+10c=10a 10b 10c=10a 10b 10c, ये हम लोग प्रूफ किए थे, इसी का यूज करेंगे हम लोग। देखिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड से हम लोग क्या करते हैं, 10a 10b 10c से डिवाइड कर देते हैं, 10a 10b और 10c से डिवाइड कर दिए हम लोग। तो देखिए दोनों तरफ यदि हम डिवाइड करते हैं 10a 10b 10c से, या फिर आप बोल सकते हैं इस 10a 10b 10c को हम इधर लेके आ गए। तो देखिए जैसे डिवाइड किए हम लोग तो यहाँ से उसके बाद अलग कर दिए हम लोग, यहाँ से अलग कर दिए, तो देखिए 10a/ क्या होगा, 10a 10b 10c प्लस 10b/
सेम उसी तरह होगा, टेन ए टेन बी टेन सी प्लस टेन सी डिवाइडेड बाय क्या होगा, टेन ए टेन बी टेन सी बराबर कितना हो जाएगा, वन। अब यदि आप ध्यान दीजिए तो टेन ए और टेन ए कट जाएगा, टेन बी कट जाएगा, और यहाँ टेन सी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉट बी कॉट सी, क्योंकि 1/10 थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। यहाँ पे क्या बचेगा, कॉट ए कॉट सी, और यहाँ पे क्या बचेगा हम लोग के पास, कॉट ए कॉट बी। देखिए ये 1 हो गया हम लोग के पास, प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि सारा सवाल मतलब एप्लीकेशन जो कंडीशनल आइडेंटिटीज है, तो कंडीशनल आइडेंटिटीज का यूज करके हम लोग बहुत सारे सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हम लोगों के पास अगला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, समेशन ऑफ 10a/2 × 10b/2 = 1, या फिर 10a/2 10b/2। देखिए समेशन दिया हुआ है तो a/2 b/2 सबको ऐड करते हुए, b/2 c/2 c/2 a/2 सबको ऐड करते हुए कितना लाना है हम लोग को, 1 लाना है। तो देखिए एंगल यहाँ पे हाफ दिया हुआ है, तो तुरंत समझना पड़ेगा कि एंगल हाफ करके ही हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, देखिए ए प्लस बी प्लस सी जानते हैं पाई होता है, तीनों एंगल का सम पाई। तो हमने क्या किया, ए प्लस बी इज इक्वल टू कर दिया पाई माइनस सी। अब दोनों तरफ हम लोग एंगल हाफ कर दिए, एंगल हाफ हो गया। अब दोनों तरफ हम लोग टेन लगा दिए, तो टेन ऑफ ए बाई टू प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू टेन ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए ये तो अलग अलग ही है ना एक तरह से, इसको तो हम लोग अलग अलग कर ही सकते हैं, तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे लिखे हैं इसको, क्योंकि दोनों तो सेम चीज़ लिखा हुआ है, ये और ये दोनों सेम ही चीज़ लिखा हुआ है, सेम उसी तरह ये और ये यहाँ पे दोनों सेम चीज़ लिखा गया है। तो टेन ए प्लस बी लगाएंगे हम लोग, तो क्या होगा हम लोग के पास, टेन ए बाई टू प्लस टेन बी बाई टू डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए बाई टू इंटू टेन बी बाई टू इज इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। तो मतलब कॉट सी बाई टू, और कॉट सी बाई टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10 c/2। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, 1/10 c/2 कर दिए। क्यों, क्योंकि हम लोग को सिर्फ टेन ए टेन बी टेन सी के फॉर्म में चाहिए था। तो अब जैसे आप इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए ही देखिए इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा और इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो देखिए 10a/2 10c/2 एक साथ, 10b/2 और 10c/2 एक साथ इज इक्वल टू 1 - 10a/2 10b/2। अब जैसे यहाँ पे आएगा तो आप 10a/2 10b/2 को एक साइड लेके आ जाइएगा, तो आपके पास जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा, एक तरफ 1 बच जाएगा और एक तरफ हो जाएगा 10a/2 10b/2 का समेशन 1 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको बहुत आसानी से करके देख सकते हैं, आपसे बन जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कुछ करना नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, और जो माइनस साइन है उसको उधर लेके जाना है, सिर्फ आपके तरफ एक तरफ 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं यदि कोई आपको डाउट है तो, या फिर आपको ये लेक्चर कैसा लगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।